वो भी बाजवा साहब को समझाएं, लेकिन बाजवा साहब ने एक ना सुनी। और ये जो तजर्बा किया है ये सबके सामने है, मतलब कहाँ ले गए मुल्क को यार आप। आप इस तरह से, मतलब एक शख्स अगर कोशिश कर रहा है तो आप उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है। अभी वो कॉलर सही बात कर रहे थे, इमरान खान पूरे इंटरनेशनल मीडिया को रोजाना अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अल जजीरा ने रिपोर्ट कर रहा है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है आपके जी? अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। ये जो बता रहे हैं ये सब कौन है जी? कॉलर है, आप बताएं आप क्या कहेंगे। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान एकदम खतरे में है जी, और ये जो गवर्नमेंट है ये सब तमाशा देख रही है, और इसके पीछे पूरा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि डिफॉल्ट हो और फिर उसके बाद हम काम करें, और जो बाहर की गवर्नमेंट है जिसमें इंडिया भी है, इसराइल भी है और अमेरिका भी है, तो वो ये अपने आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए जी। एटॉमिक प्लांट का ये रिफ्यूज करें और फिर इनको बहुत जगह से हेल्प आएगी। प्री प्लान है सारा, मेरी बाजवा साहब भी इसमें शामिल है। ये बाजवा साहब को जो फैसिलिटी मिली है उसमें ये गारंटी है कि ये पूरा खत्म होएगा। यानी कि आप कह रहे हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, आपका कहने का मकसद ये है? 100% ये। चलें फिर होल्ड करेगा तो और कॉलर की भी बात ले लूं, फिर आपको वापस लेती हूँ इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा मीना, मैं ये कह रहा हूँ, अलजजीरा टीवी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल जितने भी ये जहाँ जहाँ OIC के ममालिक हैं और दूसरे ममालिक हैं, वो अलजजीरा कह रहे हैं कि वो अगर इमरान खान को कुछ होता है तो वो पाकिस्तान का बायकॉट कर देंगे। ये सूरत हाल है आपकी इस वक्त मुल्क की, और ये नॉन इशू को इशू बना के इस वक्त इमरान खान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं जिसका कोई इशू ही नहीं था। और इन्हें मतलब आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की रोज बरोज तब्दील हो रही है, और मतलब लोग कोई पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्हें पता है कि जब इतना माशी तौर पे डिफॉल्ट होने के करीब जो मुल्क होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो ये हालात हैं, और इसमें आपने तजर्बा ऐसा तजर्बा किया है, यकीन करें अच्छा भला मुल्क था इन बाजवा साहब ने इन 13-14 जमातों को पता नहीं कौन सी LP से जोड़ा, जो ये एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, और इनको बिठा दिया लाके। और मतलब ऐसा तजर्बा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी को दुश्मन भी नहीं करेगा किसी मुल्क का, जो इन पाकिस्तान के साथ हुआ इन 7 महीनों में। तो ये अब अंदाजा हो रहा है सबको, और मैं तो यही कहूंगा कि बस अल्लाह ही बचा सकता है इसको, ये ऐसा मुआवजा हो जाए, क्योंकि इन हालात में तो अगर देखिए मैं आपको बताऊं कोई मुआवजा ही हो, $23 अरब चाहिए आपको इस साल के लिए, तो कहाँ से आएंगे पैसे? चलें ठीक है, आइए मैं कह रहा है कि आप 800 अरब के और टैक्स लगाएं, तो आप अंदाजा करेंगे सूरत हाल है आपके मुल्क।